ओके सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप सो आप लोग सबका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। एंड आज का ये जो सेशन है जो हमने रखा है, ये हमने रखा है किसी के एक्सीलेंस को सेलिब्रेट करने के लिए, जो आप जैसे ही जर्नी के थ्रू गुजरे हैं। एंड लाइक शी हैज स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन CM1। IAI से लोग ऐसा कहते हैं कि पेपर्स को क्लियर करना ही कितना चैलेंजिंग है, बट शी हैज डन इट। एंड हम लोग जानेंगे उनसे, क्योंकि देखो मेरा कभी रैंक नहीं आया, तो हम लोग जानेंगे डायरेक्टली अर्विता से कि क्या उनकी स्ट्रैटेजी रही है एंड कैसे उन्होंने पूरा गेम प्लान को सेट किया, किस तरीके से उन्होंने हमारे रिसोर्सेस को यूज किया ताकि उनका जो एग्जाम्स है वो एक बार में क्लियर ना की हो, उनको अच्छा नॉलेज मिले। एंड डेफिनेटली हम लोग सब उनसे बहुत ही मोटिवेटेड भी आज होंगे। ठीक है, सो वी वेलकम यू अर्विता टू आवर टॉक सेशन। सो सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपने कहाँ से बैचलर्स किया है, अभी आप क्या कर रहे हैं, आपके दिनचर्या के बारे में हमें थोड़ा बताइए। गुड मॉर्निंग सर, आई एम अर्विता शुक्ला। आई हैव डन बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम दयाल सिंह कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अलॉन्ग विद आई हैव क्लियर फोर एक्चुरियल पेपर्स एंड आई हैव टुक कोचिंग फ्रॉम यू ओनली। एंड राइट नाउ आई एम परस्यूइंग मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड अलॉन्ग विद माई स्टडीज आई एम स्टडिंग फॉर एक्चुरियल पेपर्स एंड होपफुली आई विल क्लियर मोर पेपर्स इन द कमिंग डाइट्स। ओके अर्विता, आप हमको सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने अभी तक कितने पेपर्स क्लियर किए हैं, फोर पेपर्स, कौन कौन से पेपर्स? CS1, CM1, CB1 एंड CB2। तो अर्विता, जैसे अभी तक आपको एक स्ट्रैटेजी तो पता चली गई होगी कि एग्जाम्स के लिए मेरे को इतने दिन पहले चालू करना है, इतना टाइम में मेरे को पोर्शंस कंप्लीट करने हैं, मेरे को एग्जाम पेपर्स सॉल्व करने हैं, मॉक्स देने हैं। तो आपके जो सक्सेस के जो लीवर्स हैं, लीवर्स मतलब कि क्या क्या वो की फैक्टर्स है जो आज आप हम लोग सबको बताना चाहेंगे? लाइक जो आपने स्ट्रेटजी बताई थी एग्जाम से पहले वही फॉलो करती थी। एंड द मेन मंत्र दैट आई यूज टू फॉलो, लाइक नवंबर में एग्जाम्स हैं सो अक्टूबर में फर्स्ट वीक तक आई यूज टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस ऑफ पेपर ए, पेपर बी एंड एक्स असाइनमेंट्स एंड रिविजन नोट्स एंटायर। देन फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स आई यूज टू रिवाइज द पोर्शन प्लस सॉल्व द PYQs ऑफ IAI, पेपर ए, पेपर बी। पेपर ए आई यूज टू सॉल्व डेली एंड रिवाइज दैट 2 to 3 times before exams, and paper B every alternate day I used to solve. Like before exam, I used to have done paper B twice at least on from my part, apart from the class attending classes. And I also used to attend doubt sessions. And just I use the mantra that I have to solve the question not until I get it clear, but until I can't get it wrong. So I revised and practiced again and again and I got the rank one, thankfully. सो बेसिकली अर्विता, आपको क्या लगता है कोई भी एक्चुअल एग्जाम को क्लियर करने के लिए कितने महीने पहले इफेक्टिव प्रिपरेशन चालू हो जाना चाहिए? मिनिमम 4 months बिफोर हो जाना चाहिए। तो आप क्या रिजल्ट का वेट करते थे कि आप जब एग्जाम देते थे उसके ठीक 1-2 हफ्ते बाद ही आप ट्रेनिंग ज्वाइन करते थे, मतलब वो स्ट्रेटेजी क्या था? एंड जो एग्जाम देने से लेके रिजल्ट तक का सफर है, आप उसमें क्या करते थे? मतलब लाइक एग्जाम देने से रिजल्ट के बीच में आई यूज टू सी द नेक्स्ट एग्जाम का सिलेबस क्या है, नेक्स्ट एग्जाम कौन सा मुझे सेट करना चाहिए एंड अगले डाइट के लिए मेरा क्या प्लान होना चाहिए। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विथ अगर कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं लाइक कुछ कोर्स लाइक SQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आर प्रोग्रामिंग और लाइक दिस आई यूज टू डू। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द पेपर दैट आई हैव गिवन इन द प्रीवियस डाइट। Like if I am not sure about the results, then I used to wait for the results. And if I am very sure, then I used to take up the next paper and start preparing for it. बट 90% लोग ऑलमोस्ट श्योर नहीं होते हैं कि मतलब उनको वो लोग अपने बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं कि मेरा तो नहीं होगा क्लियर। सो मैं भी ऐसा ही था। बट डेफिनेटली स्टार्टिंग द पेपर्स अर्ली इज अ की प्लस दैट यू हैव मेंशन कि आपको मिनिमम 4 महीना पहले चालू कर देना चाहिए। अर्विता, जैसे आपने जितना भी सारा पेपर्स किया, आपको क्या लगता है कि कितना एवरेज में एक दिन पढ़ना चाहिए? On average, 5 to 6 hours is sufficient for CS or CM series, and 2 hours to 3 hours is sufficient for CB papers. CB series, that's an excellent answer.
सो आप मेरे को ये बताइए कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होते हैं कि वो लोग मतलब क्वेश्चंस को खाली देख लेते हैं, मतलब वो लोग पूरा एंड तक प्रैक्टिस नहीं करते, तो इसमें आप क्या वो लोग को गाइड करना चाहेंगे? आपने पर्सनली क्या किया था कि आपने पूरे क्वेश्चन को एंड तक सॉल्व किया था कि आपने उसको खाली देख लिया था? एंड अगर सॉल्व किया था तो कितने बार किया था? I used to solve the entire revision note at least twice from myself. Exam से like 1 month before I never used the strategy, just see देख लिया question and हो गया. I used to solve entirely. हमारे time पे it was pen paper note, so मैं उसमें पूरा solve करती थी. And अभी जब online हो गया था तो 2 months before मैं जितने भी answers हैं उनको typing करके practice करती थी. ऐसा कभी नहीं किया कि क्वेश्चन देख लिया हो गया. लाइक एग्जाम से 10 days बिफोर इतना टाइम नहीं होता, देन आई यूज टू सी द क्वेश्चंस एंड ओनली ट्राई द क्वेश्चंस इन विच आई एम नॉट कॉन्फिडेंट. एंड सीएम पेपर में पेपर ही प्रैक्टिस करते करते ही स्पीड बनेगा, बिकॉज अगर स्पीड नहीं होगा तो पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी आई कंप्लीटेड द पेपर इन 2 hours 30 minutes, गिवन की 3 hours का पेपर होता है. एंड दैट हेल्प्स मी टू करेक्ट माई मिस्टेक्स बिफोर गिविंग द एग्जाम. एंड पेपर बी में भी सेम, जितना प्रैक्टिस होगा उतना स्पीड फास्ट होगा एंड प्रिपेयर करने में बेटर रहेगा. सो आप मेरे को एक बात बताइए, जैसे CM1 में आपका कंटिंजेंसीज भी है और सर्टेन कैश फ्लोज भी है, सो आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स पे स्ट्रेस किया? थोड़ा डिटेल मैनर में आप हमको बताइए कि आपने कैसे चालू किया, कौन कौन से टॉपिक्स में हम लोग को प्रॉब्लम फेस हो सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल मैनर में अपना गेम प्लान हमें शेयर कीजिए। लाइक CM1 में 27 chapters हैं, तो स्टार्टिंग के 1 to 7 chapters आर वेरी सिंपल. सो आई जस्ट कंप्लीटेड द वीडियो लेक्चर्स एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फ्रॉम द वीडियोस ओनली. एंड आफ्टर दैट लोन शेड्यूल, प्रोजेक्ट अप्रेजल, टर्म स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड्स वाले चैप्टर्स के लिए देर आर सेपरेट बुकलेट्स फॉर ईच ऑफ दीज चैप्टर्स. सो आई स्टडीड देम सिंसियरली एंड कंप्लीटेड देम. आफ्टर देन कंटिंजेंसीज का जो स्टार्टिंग का पोर्शन है, लाइक चैप्टर 15 to 19 है आई गेस, लाइक 15, 16, 17 इज वेरी सिंपल एंड इट इज फॉर बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने उसको बस कॉन्सेप्ट को स्टडी किया एंड बार बार रिवाइज किया टू रीइंफोर्स द नोटेशंस एंड फॉर्मूला एवरीथिंग, सो दैट आई डू नॉट फॉरगेट देम व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस. एंड देन चैप्टर 18, 19, 20, 21 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप. सो लेक्चर देखना, अकॉर्डिंगली रिविजन नोट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना. मैंने इन वाले चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया था, लाइक चैप्टर 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड देन 24, 25, 26, 27 भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. सो लाइक चैप्टर 26, 27 में आई फिगर्ड आउट द वराइटी ऑफ क्वेश्चन. हमारे रिविजन बुकलेट जो लास्ट के हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन है मैंने उनको वैरायटी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करके प्रैक्टिस किया था. एंड ये चैप्टर्स ऐसे थे लास्ट का पोर्शन दैट आई यूज टू रिवाइज डेली. एंड लाइक जो पहला CT1 का पोर्शन ऑलरेडी डन हो गया, उसका पेपर एंड ए एंड पेपर बी का पोर्शन आई यूज टू रिवाइज एवरी वीकेंड, सो दैट व्हाइल डूइंग CT5 आई एम नॉट फॉरगेटिंग CT1 का पोर्शन. हमारे व्यूअर्स को अब मैं बोलना चाहूंगा कि अगर उनका कोई भी क्वेरी है जो वो पूछना चाहेंगे CM1 रिलेटेड या फिर इंडियन एग्जाम्स रिलेटेड, तो वो लोग जैसे अभी चैट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं, तो अर्विता कैन टेक ऑल दोस क्वेरीज वन बाय वन। सो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट बेसिकली टाइपिंग योर क्वेश्चंस इन चैट बॉक्स। Anyone who would like to ask any question? Yes, anyone who would like to ask any question, please type it in the chat box. How can you be calm during the exam? मतलब एग्जाम में अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे रखा जाए? लाइक एग्जाम देने से पहले मैंने जस्ट यही सोचा था कि वॉट एवर कम्स इन एग्जाम, बी इट इजी और बी इट डिफिकल्ट, आई विल गिव माई बेस्ट एंड आई विल नॉट गिव अप दिस टाइम. आई विल गिव इट एंड मेक श्योर दैट आई क्लियर दिस एग्जाम, वॉट एवर मे बी द क्वेश्चन पेपर. आई जस्ट केप्ट काम एंड
लाइक रिमेम्बर गॉड एंड रिमेम्बर पेरेंट्स जो कहते हैं, एंड अकॉर्डिंगली लाइक एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मैं 5 मिनट्स मेडिटेट करना प्रिफर करूंगी, एंड दैट आई विल सजेस्ट ऑल्सो. जैसे हर्ष ने बोल रहा है, इज इट अलाउड दैट वी गिव एग्जाम फ्रॉम आईएफओ? एंड आई नो बेटा, आपको कोई एक इंस्टीट्यूट से ही देना है, आप दोनों जगह से एग्जाम नहीं दे सकते हो. करेंटली अगर आप आईएफओ से दे रहे हो तो आप आईआई में एग्जामिशन ले सकते हो, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. ओके, अंगद बोल रहा है, मैम इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट अवर रिजल्ट देन वी शुड गिव द सेम एग्जाम नेक्स्ट टाइम और शुड वी गो टू द नेक्स्ट पेपर? आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? लाइक नेक्स्ट एग्जाम हमारे रिजल्ट आने से पहले वी गेट 2 मंथ्स अराउंड, so we should evaluate ourselves. Like in the previous exam we have not attempted good, like we have not attempted even 50% of the paper, we are not clear with the previous paper's concepts, so same paper continue karo. But if we are sure that maybe there is some chance that I will clear this paper, so better that we start with the next paper, and if we clear the exam, so it is better that we have not wasted last 2 months. And if we don't clear by some chance, so at least we are clear with our concepts, and we have done already all the videos and concepts, so we can just practice and give the exam. So I don't think ki hame exam aur result ke beech ka 2 months ka time waste karna chahiye thinking about the results. Hame next exams ke bare mein soch ke usko taiyar karna chahiye. And agar hum sure hi nahi hai bilkul hi ki exam nahi niklega, like bilkul hi clear concept nahi hai, tab to dobara karna hi padega. Okay. कार्तिक पूछ रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज उतना क्लियर नहीं होता है, तो इस इश्यू से हम लोग कैसे डील कर सकते हैं? लाइक क्वेश्चन को पहले रीड करके उसमें जो भी की टर्म्स मेंशन है, लाइक कंटिंजेंसीज में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो मुझे भी नहीं समझ आते थे, तो मैं उस क्वेश्चन को ब्रेकअप करती थी स्मॉल पार्ट्स में कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. लाइक क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होते हैं, या सिंगल पार्ट में ही बहुत सारी चीजें मेंशन होती है, तो उन सब चीजों को पहले एक बार रीड करके देन की टर्म्स को नोट करके फिर उसको पार्ट्स में ब्रेक करके अप्रोच करना इजी हो जाता है. ओके, जैसे पेपर बी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पेपर बी क्रैक नहीं हो पा रहे, पेपर बी के लिए प्रिपेयर क्या करें, अपार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिस असाइनमेंट्स दैट एक्चुएटर्स इज गिविंग, उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? तो क्या आप हमें पेपर बी के बारे में थोड़ा डिटेल मैनर में बता सकते हैं कि क्या क्या आपका गेम प्लान था पेपर बी के लिए? यस, पेपर बी के लिए मैंने डेली 2 आवर्स प्रैक्टिस किया था. व्हाइल डूइंग द प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं वीडियो लेक्चर्स देखती थी, उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे मैं खुद से उसको सॉल्व करती थी विदाउट रेफरिंग टू एनीथिंग. एंड आईआई के जो पास पेपर्स हैं उनको मैंने अराउंड सितंबर मिड से स्टार्ट करना सॉल्व कर दिया था. एवरी वीकेंड में 2 क्वेश्चंस आईआई के सॉल्व करती थी. मैंने 2 महीना पहले आपने 2 महीना पहले आपने चालू कर दिया था. गाइस प्लीज स्ट्रेस ऑन दिस, बॉयज एंड गर्ल्स, 2 महीना पहले उन्होंने पेपर्स चालू कर दिया था, तो जो भी नवंबर में एग्जाम दे रहे हैं उनको अभी से चालू करना है, राइट? ओके, जितना भी पास्ट ईयर का पेपर बी का क्वेश्चन है मैंने सबको 2 से 3 बार मिनिमम पेपर से पहले किया था. वीडियो लेक्चर से देख के करना एक बार होता है, बाकी उसके बाद खुद से 2-3 बार और प्रैक्टिस करोगे तो फ्लुएंसी बन जाएगी. एंड अगर टाइम बचता है तो आईएफओ का भी पेपर बी प्रैक्टिस करो तो ही होगा, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की इन पेपर बी फॉर CM1. प्रैक्टिस के बिना नहीं होता वो. ओके ओके, सो इसके बाद में मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि चैप्टर्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए एंड हाउ ऑफन शुड बी रिवाइज, ये विवेक का क्वेश्चन है. चैप्टर्स का ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए क्लियरली, उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है लाइक कंटिंजेंसीज का पोर्शन है उसको स्ट्रेस करना चाहिए, उसको कंप्लीट करने के साथ साथ जो CT1 के पोर्शन में लास्ट के चैप्टर है लाइक चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13, 14 इनके लिए स्पेसिफिक बुकलेट्स को सॉल्व करना रिवाइज करना चाहिए. एंड जो थियोरी पोर्शंस हैं वो सिंपल हैं सो उनमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. स्टार्टिंग के पोर्शंस में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेन क्वेश्चंस देख के आगे बढ़ो, बाकी जो कंटिंजेंसीज का पार्ट है उसको मैंने 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था. नंबर 1 बेसिक्स, नंबर 2 एडवांस लाइक ग्रॉस प्रीमियम एंड ग्रॉस प्रीमियम रिजर्व वाला पोर्शन, इसके बाद जॉइंट लाइफ एनुइटीज का पोर्शन, एंड देन एक चैप्टर 25 और 24 आई गेस है उसमें कंपीटिंग रिस्क एंड आपका प्रॉफिट टेस्टिंग है, दो है. हाँ, एंड प्रॉफिट टेस्टिंग है, उन सबको मैंने 3 to 4 और 4 पार्ट्स में डिवाइड करके उनका प्रैक्टिस रेगुलरली करो, प्लस CT1 का पार्ट में
लोन शेड्यूल, प्रोजेक्ट अप्रेजल, बॉन्ड्स एंड टर्म स्ट्रक्चर को अच्छे से करो तो हो जाएगा। ओके, सो एक जन रौनक का ये क्वेश्चन है, एज वी नो दैट प्रैक्टिसिंग कंटिंजेंसीज अगेन एंड अगेन बिकम्स टू मोनोटोनस एंड रिक्वायर्स डिसिप्लिन, हाउ कैन वी गो फॉरवर्ड विद दैट? उसके लिए यही रेमेडी है, लाइक पहले तो हम कॉन्सेप्ट्स के साथ थोड़ो है, आप एक्स असाइनमेंट्स को प्रैक्टिस करो, पास्ट ईयर्स देखो, एंड लाइक ऐसा नहीं है कि जस्ट एक बार रिविजन नोट्स एंड मैट को ही रिवाइज करो, आप पास्ट ईयर्स देखो, उनको ट्राई करो सॉल्व करने का, आप एक्स असाइनमेंट्स देखो। सो जब हमें लगता है ना कि वी डू नॉट नो दिस क्वेश्चन, तो अपने आप वी गेट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड क्लियर अवर कॉन्सेप्ट्स, यही वे है। ओके, अर्विता हम लोग जानना चाहते हैं कि आपका फेवरेट पास्ट टाइम क्या है? लाइक फेवरेट पास्ट टाइम इज जस्ट एक्चुअली स्पेंडिंग टाइम विद माय सिब्लिंग्स एंड टॉकिंग टू माय मम्मी एंड पापा। ओके, लाइक यू आर ऑलरेडी अ ग्रेजुएट, सो कैन यू टेल अस कि आपने जॉब क्यों नहीं किया है, अभी आप और जैसे मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? लाइक मास्टर्स में प्रिपरेशन के लिए मैंने थर्ड ईयर में डिसाइड किया था कि आई विल डू मास्टर्स, बिकॉज मेरे बैच में मोस्टली लोग मास्टर्स कर रहे थे, एंड एक बार सर ने पूछा कि तुम्हें क्यों नहीं मास्टर्स करना, सो आई थॉट कि मुझे क्या नीड है मास्टर्स करने की। उसके बाद फिर आउट ऑफ पीयर प्रेशर आई मेड अप माई माइंड कि मुझे डी स्कूल, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ही जाना है, सो उसके लिए मैंने फिर CM1 के एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद मास्टर्स की तैयारी शुरू की, एंड आई जस्ट गिव द एंट्रेंस की इफ इट हैपेंस तो गुड, अदरवाइज कोई बात नहीं। जॉब मैंने एज अ बैकअप रखा था, एंड ऑल्सो BA ऑनर्स करने के साथ साथ आई थॉट कि एक्चुरियल्स बहुत अच्छा कोर्स है बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी इट ऑफर्स, एंड मेरा अल्टीमेट एम इज सिविल सर्विसेज एक्चुअली, बट ऑल्सो आई कांट डू given the civils all of my like 20s, so I thought that I must build up an alternative career in which I am stable, secure, and that is why so many masters ka socha, because it aligns in my long term goal, and okay. along with actuaries ko main continue kar rahi hu. Okay, abhi aap kaun se paper ke liye prepare kar rahe hain? Abhi CS2 paper ke liye. CS2 के लिए आपको जैसे आपने मेंशन किया एक्चुअलीज में काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, सो आपको एज अ कोर्स कैसा लगता है ये, एंड हाउ कैन यू बेसिकली मोटिवेट योर पीयर ग्रुप टू बेसिकली कीप गोइंग ऑन इन द फील्ड ऑफ एक्चुअरियल साइंस? एक्चुअरियल्स में फ्लेक्सिबिलिटी है बिकॉज एग्जाम्स ट्वाइस अ ईयर होते हैं आफ्टर एवरी 6 months, एंड while doing the papers we have the option to choose after how many papers we want to go in job and pursue the practice or internship, so I think ye flexibility hai, and also actuaries mein like hamare 1 or 2 papers hi hote hain every term if we take agar along with graduation hai, so isliye I think it's better ki actuaries mein we get time to pursue other activities along with our paper practice. And the motivation is कि जब हम एक बार associate and fellow बन जाते हैं, so the power that our sign has, and हमारे name के आगे जो abbreviation लगता है FII, that is the ultimate motivation, because we have something a professional degree that we can count upon, BA etc करके, yes it's okay university का curriculum है, but if you see कि हर university में हर कोई ना कोई एक single बंदा टॉपर होगा ही होगा, बट इफ वी गो इन एक्चुअरीज वी हैव अ प्रोफेशनल डिग्री एंड वी कैन काउंट ऑन अवर हैंड्स कि जस्ट फ्यू फेलो एक्चुअरीज है, एंड इफ वी आर वन अमंग देम, सो उससे अच्छा क्या बात है, इसी से इंस्पिरेशन मिलती है मुझे। कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट जैसे अगर किसी को मास्टर्स करना है जैसे आप करें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, तो उसका क्या प्रोसेस है, मतलब लाइक मास्टर्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी टारगेट की कौन सा यूनिवर्सिटी से हमें करना है, सो उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग उसका स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन, लाइक मैंने इकोनॉमिक्स में किया है, एंड बहुत सारे लोग होंगे जो एक्चुअरियल साइंस में मास्टर्स करना प्रिफर करेंगे, सो पहले तो यूनिवर्सिटी को टारगेट करना कि कौन से यूनिवर्सिटी में मुझे जाना है, देन उसका एंट्रेंस का प्रोसीजर क्या है, कैसे करना है उसको फिगर आउट करना, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली एक स्ट्रेटेजी बना के उसको फॉलो करना,
एंड मास्टर्स को लेके ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना, लाइक अगर हम शांत रहते हैं तो चीजें जल्दी हमारे लिए फेवर में वर्क करती हैं। ओके, इट वाज एब्सोल्युटली वेरी नाइस टॉकिंग टू यू अर्विता। वन लास्ट पीस ऑफ एडवाइस व्हिच यू वुड लाइक टू गिव टू ऑल द नवंबर आईआई स्टूडेंट्स एंड आईएफओए सितंबर स्टूडेंट्स की लास्ट टाइम में क्या वो लोग को स्ट्रेटजी रहना चाहिए ताकि दे कैन एक्सेल इन देयर एग्जाम्स? लास्ट टाइम में जितना पढ़ लिया उसी को अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। ऑल्सो जो पास्ट ईयर्स हैं, एटलीस्ट लास्ट के 6 to 7 टर्म्स का तो प्रैक्टिस कर ही लो अच्छे से। एंड एग्जाम से लाइक अभी जस्ट 20 days, 30 days बिफोर है, तो अपने आप को हैबिट में बना लो कि हमें 3 hours 15 minutes एग्जाम के लिए सिट करना है, पेपर सॉल्व करना है। सो दैट विल बी बेटर। एंड आईआई का अभी एमसीक्यू बेस्ड पेपर हो गया है पूरा, तो एक बार मैट और रिविजन नोट्स को प्रैक्टिस करने के बाद जो हमारे आपके फोरम पे हैं एमसीक्यूज, उनको मैं डेली प्रैक्टिस करना ज्यादा प्रेफर करूंगी, बिकॉज अब जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, डाउट्स क्लियर करोगे, सो बेटर रहेगा। ओके, सो यस सिमरनप्रीत सिंह, आप रजिस्टर करिए बिकॉज अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है, आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अर्विता फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड वी आर डेफिनेटली कीपिंग टू कीप मोर सच सेशंस विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। एंड वन मोर थिंग सर, पहले मैं जब भी टॉपर्स के सेशंस देखती थी, सो आई यूज्ड टू थिंक कि वन डे मैं भी इंटरव्यू दूंगी, सो इट्स लाइक आई हैव मैनिफेस्टेड इट एंड आई एम सो मच थैंकफुल टू यू फॉर हैविंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो बेसिकली दैट्स मैनिफेस्टेशन, लाइक हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स, राइट? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।